दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत में अभी जो कोरोना वायरस है वो पूरी तरह से फिर से फैल चुकी है। इसी बीच हमारा जो बिहार सरकार है, बिहार कोरोना सहायता के लिए 1,000 रुपया सभी के अकाउंट में दिया जा रहा है। तो ये जो पैसा किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ये सारी बात को बताने आ चुका हूँ। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकाधनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी बातें को डिटेल्स बताऊंगा, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है, ये क्या क्या प्रोसेस होगा, ये सारी बातें को डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ, देख सकते हैं बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तहत। तो नीचे देख सकते हैं अगर आप पहली बार पंजीकरण करने आए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा श्रमिक पंजीकरण। अगर आप पहले से पंजीकरण किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे श्रमिक लॉग इन करके आपको अपना स्टेटस देख सकते हैं या आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो यहां से मैं न्यू रजिस्ट्रेशन का यानी कि श्रमिक पंजीकरण को मैं क्लिक करके बताता हूं। चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूं। जहां पे दे सकते हैं क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगी, जहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख गया है, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो श्रम संसाधन विभाग के तहत लाया गया है। यहाँ पे अपना नाम दोस्तों, ये नाम आपके आधार कार्ड में है वही नाम आपको लिखना है, पिता का नाम, ठीक है, पिता या पति जो भी है उनका नाम लिखना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद लिंग किस जाति के आप हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, विवाहित हैं कि नहीं आपको वो बताना होगा। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, देन ओटीपी पे क्लिक करके आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को भी आपको यहाँ पर अपडेट करना है जो इसके बाद आपको आएगा। तो दोस्तों बहुत सभी को वन बाई वन करके मैं फिल करके बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाली जो भी भर्ती होती है, चाहे तो आपका BSSC के तहत होती है, कॉन्स्टेबल के लिए होती है, टीचर के लिए होती है, या जो भी स्कीम होती है बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, वो सभी नोटिस पे, वो सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर चाहते हैं सारी चीज अप टू डेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दूसरा व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करना। और तो इसके बाद कुछ और भी दो तीन नया स्कीम आने वाली है ये कोरोना को लेकर, मैं आपको वही बताऊंगा। तो जितना ज्यादा हो सके मुझसे टच में रहिएगा। तो दोस्तों ओटीपी मेरे नंबर पे भेज दिया गया, चलिए यहाँ पे मैं इनपुट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है। उसके बाद ये बॉक्स को क्लिक करके चलिए रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। उससे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रहा है जिसे जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं अपना आधार कार्ड जो भी दे रहा हूँ उस ID को मैं आपके द्वारा उसे प्रमाणित किया जाए, स्थापित करने में उपयोग किया जाए, ठीक है। और तो मैंने जो अपना मोबाइल नंबर दिया गया उस मोबाइल नंबर को SMS अलर्ट के माध्यम से मुझे सारा SMS के माध्यम से मुझे अपडेट मिलता रहे, यहाँ पर ऐसा बातें कहा जा रहा है। फिर तो मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा है कि आधार पहले से ही पंजीकृत है, मतलब कि मैं ऑलरेडी इस नंबर से पंजीकृत कर चुका हूं। अगर आपका आधार नंबर सही है या इससे पहले आप आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा, ठीक है, जहां से आपको फिर से लॉगिन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको जो भी अकाउंट या जो भी डिटेल्स वो मांगेगा उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आपका एक पेज ओपन होगी जहां से आपको इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा जहां से कुछ डिटेल्स आपको डालना होगा। यहां तो आप नाम डिटेल्स डाल चुके, वहां पर आपका एड्रेस पूछेगा, परमानेंट एड्रेस टेम्पररी एड्रेस दोनों पूछेगा, वो डालना होगा। साथ ही आपका फोटो, वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फोटो कैसा होगा कि ऐसा नहीं कि आप अपने पास जो भी फोटो रखे हैं उसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं, फोटो आपको जस्ट जो फोटो का बॉक्स बना होगा उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका सेल्फी ओपन हो जाएगी। सेल्फी मतलब कि आप उसी टाइम अपना फोटो एट ए टाइम आपको क्लिक करके सेल्फी के रूप में आपको वहाँ पर देना होगा। वहाँ पे आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा, फिर आप जो डाटा डालेंगे उस डाटा को वेरीफाई करने के बाद फिर आपका डिटेल्स पूछा जाएगा, बाकी फैमिली से रिलेटेड, आप क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं या बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ का परिस्थिति कैसा है, ठीक है, आप पहले से COVID-19 के संपर्क में आए थे कि नहीं आए थे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। उसके बाद देन फाइनली आप सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो उस टाइम आपका फॉर्म सबमिट होगा, आपको वेरीफिकेशन के लिए कुछ दिन के लिए फॉर्म आपका चल जाएगा बिहार का जो भी सरकारी ऑफिस है वहाँ, वहाँ से वेरीफाई होते ही आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा। और हाँ दोस्तों मैं बताना भूल गया था, उसी टाइम आपका अकाउंट डिटेल्स भी मांगा जाएगा। अकाउंट डिटेल्स में आपका पासबुक का फ्रंट पेज आप
को यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको आईएफएससी कोड हो गया, बैंक डिटेल से हो गया, बैंक ब्रांच हो गया, कौन सा बैंक अकाउंट है वो। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पूरी बातों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। चाहते हैं इंस्टाग्राम न्यूज से अपटूडेट रहना, स्कीम से अपटूडेट रहना, तो प्लीज मेरे चैनल से बनेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।